नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। खुड़ैल थाना क्षेत्र के ग्राम कंपेल में हुई डॉक्टर बेटे की संदिग्ध मौत के मामले में आत्महत्या की बात सामने आई है। पुलिस के अनुसार पारिवारिक विवाद के चलते मृतक ने खुद को गोली मारी है। पिछले दिनों कवरकुआ थाना क्षेत्र में अपनी प्रेमिका से शादी करने वाले डॉक्टर जितेंद्र पिंडोरिया के बेटे यशवंत पिंडोरिया का मंगलवार को कंपेल स्थित फार्म हाउस में संदिग्ध अवस्था में शव मिला था। हालांकि पिता ने इस घटना की सूचना पुलिस को नहीं दी और चुपचाप अंतिम संस्कार कर दिया। जब गांव वालों ने पुलिस को इसकी सूचना दी तो पुलिस मौके पर पहुंची। हालांकि तब तक शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया था। वहीं घटना के दिन यशवंत फार्म हाउस में अकेला था। पुलिस को मौके से गोली के दो खोल भी मिले हैं, जिसके बाद पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों के एंगल से मामले की जांच में जुटी हुई थी। वहीं पुलिस ने अब इस मामले में युवक की आत्महत्या की बात कही है। एसपी महेश चंद्र जैन के अनुसार पिछले दिनों मृतक के परिवार में हुए पारिवारिक विवाद के चलते उसने आत्महत्या की है। ऐसे में अब तक अपराध का घटित होना नहीं पाया गया है। कोई गोलीकांड नहीं है, एक बालक ने सुसाइड की है, आत्महत्या की है। किन कारणों से की है, पारिवारिक विवाद जो पिछले दिनों उनके घटनाक्रम चला परिवार में, उस वजह से या अन्य कारण, ये वो बालक की मानसिक स्थिति ही उसको बता सकती थी। और अभी तक की जांच पर से इसमें किसी प्रकार का अपराध का घटित होना नहीं पाया गया। सर, साक्ष्य को छुपाने के लिए उसके पिता के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है? साक्ष्य छुपाने, एक अकाल मृत्यु कानून में है। एक अकाल मृत्यु की अगर पुलिस को सूचना नहीं देते और ऐसी सबका अगर अंतिम संस्कार या दाह संस्कार अगर कोई करता है तो धारा आईपीसी में एक धारा 176 है, जिसके अंतर्गत इस्तगासा तैयार कर माननीय न्यायालय पेश किया जाएगा। चूँकि उसकी मृत्यु में अभी कोई अपराध का घटित होना नहीं पाया गया। तो डॉक्टर ने कुछ बताया जिसको? जैसा मैंने बता दिया आपको कि वो एक आत्महत्या है, अभी तक उसमें किसी प्रकार के अपराध का होना नहीं पता लगा। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर। लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।